आंगनबाड़ी। हमीरपुर में आज उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी सहायिका संघ की कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट से रैली निकालकर शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी करती हुई मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सरकार अपना वादा निभाए, नहीं तो यह हड़ताल जारी रहेगी। यूपी की योगी सरकार द्वारा किए गए वादे 120 दिन में आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा या वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, इसी बात को लेकर अब हमीरपुर में आंगनबाड़ी सहायिका संघ ने प्रदेश संगठन के आह्वान पर कलेक्ट्रेट पिथौरागढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द वादा पूरा करने की मांग की है। आज इन्होंने जिला मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट से रैली निकालकर शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी करती हुई मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, तो बार बार जो हम लोगों को वही पुनः करना पड़ रहा है कि जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मांग लेती है तब तक हम लोग इसी तरह से अपने उसमें डटे रहेंगे। और आगे क्या करने की? आगे क्या हो? आज रैली निकालने का प्रोग्राम है जिसके माध्यम से जो सरकार को बताना चाहते कि हम इतनी बहने हैं और कितना परेशान है, कम से कम सरकार इस चीज़ को देखे कि कैसे धूप में बारिश में हम लोग 18 तारीख से धरने में बैठे हुए हैं लगातार। सर को क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है, हम लोग बहुत कम मानदेय पे काम कर रहे हैं, 4000 का मानदेय हम लोगों को हर महीने मिल रहा है, इसलिए मैं सरकार से मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक 18000 मानदेय दिया जाए। हम यहाँ पे हम जिला परिषद पे अपना कलेक्ट्रेट पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्लॉक बाय ब्लॉक अपना धरना प्रदर्शन चला रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं? आगे हम रैली का रैली निकाल रहे हैं, उसी रैली के माध्यम से हम जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन देंगे कि वो हमारे प्रशासन तक पहुँचाए।